पीएम मोदी आज राजस्थान में भरेंगे चुनावी हुंकार। राज्य की सबसे हॉट सीट चुरू में दोपहर 12 बजे करेंगे रैली। पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र झाझरिया के लिए वोट अपील करेंगे। कांग्रेस की तरफ से राहुल कासवा मैदान में है। पीएम मोदी की जनसभा में 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने का दावा। पीएम की रैली का सीकर और झुंझुनू की लोकसभा सीट पर पड़ेगा असर। पीएम मोदी 6 अप्रैल को नागौर में करेंगे रैली। बीजेपी ने नागौर में हनुमान बेनीवाल के खिलाफ ज्योति मिर्घा को मैदान में उतारा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। 5 न्याय और 25 गारंटी वाला होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। कांग्रेस के घोषणा पत्र में हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर होगा जोर। कांग्रेस घर घर जाकर बांटेगी गारंटी कार्ड। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र पर 6 अप्रैल को जयपुर और हैदराबाद में बड़ी रैली करेगी। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली में आज कांग्रेस सीईसी की बैठक। दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों पर होगा मंथन। रामनवमी से पहले बीजेपी जारी कर सकती है अपना मैनिफेस्टो। सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी के बागपत में सीएम योगी आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी के साथ मंच करेंगे साझा। एनडीए उम्मीदवार राजकुमार सांगवान के लिए करेंगे वोट अपील। बागपत के गेटवे इंटरनेशनल स्कूल ग्राउंड में होगी रैली। सीएम योगी दोपहर 12:10 पर जनसभा को करेंगे संबोधित। बागपत के बाद सीएम योगी की अलीगढ़ में रैली। दोपहर 2:10 पर गभाना में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज दोपहर हरिद्वार में रोड शो। 12:20 पर आर्य नगर चौक से ऋषि कुल ग्राउंड तक रोड शो। बिहार के पूर्णिया में पप्पू यादव ने महागठबंधन पर इमोशनल अटैक किया। कहा, कई लोगों ने मेरे पॉलिटिकल मर्डर करने की साजिश रची। पप्पू यादव ने पूर्णिया में भाषण के दौरान रोते हुए कहा, 14 दिन से किया जा रहा है टॉर्चर। पप्पू यादव बिना हेलमेट बाइक चलाकर नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे। ट्रैफिक नियम के उल्लंघन पर पूछे जाने पर भड़के। बदायूं में चुनावी सभा में शिवपाल यादव के बिगड़े बोल। वोटर्स से धमकी भरे लहजे में कहा, वोट दो नहीं तो बाद में होगा हिसाब किताब। मंच से धमकी देने का वीडियो वायरल। सहसवान से सपा विधायक ब्रजेश यादव और शिवपाल के बेटे आदित्य यादव भी मंच पर थे मौजूद। माऊ से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अरविंद केजरीवाल और अरविंद राजभर से घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मंगवाई। पुराने मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश। अरविंद राजभर के माफ़ी मांगने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। अरविंद राजभर मऊ की घोसी लोकसभा सीट से हैं उम्मीदवार। अरविंद राजभर की माफ़ी पर कांग्रेस हमलावर हुई। सुप्रिया श्रनेत ने बताया, राजभर समाज का अपमान। लिखा, बीजेपी ने ब्राह्मण नेता ब्रजेश पाठक को भेजकर राजभर समाज के बेटे से बीजेपी नेताओं ने माफ़ी मंगवाई। सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर लिखा, यही है संघ और बीजेपी की असली चेहरा और असली दलित पिछड़ा विरोधी चेहरा और उसके पीछे की घिनौनी मानसिकता। मुंबई के इस्लाम जिमखाना में मिलिंद देवड़ा के करीबी कार्यकर्ताओं ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। मिलिंद देवड़ा, श्रीकांत शिंदे और वारिस पठान रहे मौजूद। रामेश्वरम में दिखा वोट मांगने का अनोखा अंदाज। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार परिराजन फ्री में लोगों की बना रहे हैं दाढ़ी और बाल।